हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो कि झूठ और फरेब करने में एक्सपर्ट है और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जिस प्रकार का झूठ बोलकर ये सरकार हिमाचल प्रदेश में आज राज कर रही है, यहाँ का आम वर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का किसान, बागवान सब ये पूछ रहे हैं कि जो आप बोलकर आए थे उनका आपने क्या किया। आज नौजवान बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है और वो पूछ रहा है कि सुखू जी, आपने तो बोला था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1,00,000 नौकरियों की बात की जाएगी, महिलाओं के लिए 1,500 रुपये की बात की जाएगी, दूध जो है वो 100 रुपये किलो की बात की जाएगी, बागवान अपने फलों का जो रेट है वो खुद तय करेंगे, ये सारी बातें कहाँ चली गई। इन सारी बातों के लिए आज जनता जनार्दन जो है वो रोष में है। गांव में बैठा नौजवान, किसान, बागवान, महिलाएं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले तो कांग्रेस की जो सरकार है उसको पटकनी दी जाए। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो निश्चित तौर से उन चुनावों में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार होगी। पूरी स्टेट के अंदर ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो खजाना है वो बिल्कुल खाली है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काफिले के साथ जाते हैं तब खजाना कहाँ से खुलता है जब 20-20 गाड़ियां उनके साथ चली होती हैं। जो फजूल खर्ची हो रही है उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। इसलिए ये जनता को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। ये सरकार को समझना चाहिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को समझना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जिस समय इसके परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे।